नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी रहे युवराज सिंह फिर से मैदान पर लौटने की तैयारी में हैं। जी हां, युवराज सिंह विदेशी लीग में खेलने के प्लान में हैं। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने की इच्छा जाहिर की है। हर साल होने वाले इस टूर्नामेंट में यूवी अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। दरअसल अभी तक बीबीएल में भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल सका है, क्योंकि बीसीसीआई अपने एक्टिव प्लेयर्स को विदेशी टी20 लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देती है। हालांकि युवराज सिंह का मामला अलग है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई की हर तरह की क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक युवराज सिंह के मैनेजर ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड बीबीएल की एक ऐसी फ्रेंचाइजी की तलाश कर रही है जो भारतीय ऑलराउंडर में दिलचस्पी रखती हो। युवराज सिंह के मैनेजर ने आगे कहा कि हम सीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक टीम की तलाश कर रहे हैं जो युवराज सिंह को शामिल कर सके। आपको बता दें, पिछले साल कनाडा में हुए ग्लोबल टी20 टूर्नामेंट में खेलकर युवराज सिंह ने आईपीएल में खेलने के मौके को गंवा दिया है। संन्यास के बाद उन्होंने बीसीसीआई से एनओसी लेकर विदेशी लीग में खेला भी। इसके अलावा बिग बैश लीग 2020 और 21 के सीजन की शुरुआत 3 दिसंबर से होने जा रही है। बीबीएल का ये सीजन 6 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में युवराज सिंह इस लीग में खेल सकते हैं, क्योंकि इस बीच वे एकदम खाली बैठे हैं। युवराज सिंह को अब आईपीएल में मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने एनओसी लेकर विदेशी लीग में ऑलरेडी खेल लिया है। अगर बिग बैश लीग की कोई फ्रेंचाइजी युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल करती है तो यूवी जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।